आपका हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट सीरीज में। और आज की इस YouTube वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है हिडन फोल्डर्स फाइल्स को कैसे फाइंड कर सकते हो, प्लस हम कुछ फोल्डर क्रिएट करने का भी कुछ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, चाहे सी ड्राइव पे जाऊँ, तो मेरे पास होता है एक ऑप्शन राइट क्लिक करके न्यू पे जाके मैं फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट करते हो। ठीक है, अब हम जो आज के वीडियो में देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस तरीके से आप इस फोल्डर को हाइड कर सकते हो, प्लस जितने भी हिडन फोल्डर हैं उनको डिस्प्ले कैसे कर सकते हो। तो नॉर्मली सभी को फोल्डर बनाना आता है, फोल्डर का नाम अगर चेंज करना है तो नॉर्मल आपके पास रीनेम का ऑप्शन होता है। ओके, ये मेरा एक फोल्डर हैलो नाम से। इसके अंदर मैं बहुत सारी फाइल रख सकता हूँ, किसी फाइल को ट्रैक कर सकता हूँ, जैसे वीडियो फाइल, मैं फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकता हूँ। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए एक काम करते हैं, एक हैलो फाइल भी बना देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली मैंने अभी फाइल्स बनाई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को हाइड कर देता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर सो मोर ऑप्शन पे, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर है हिडन करके। ठीक है, मैं इसका यूज करूँगा। ओके, एडवांस में भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ मैंने हिडन वाला ऑप्शन चूज कर लिया, अप्लाई करा, उसके अंदर की जो फाइल्स एंड फोल्डर थी वो भी गायब हो जाएगी। तो आप देख सकते हो वो फोल्डर मेरे डेस्कटॉप पर ही है, लेकिन वो हाइड हो चुका है, मतलब कोई भी उसे ऐसे फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर मुझे वो फोल्डर वापस लाना है, प्लस जितने भी हिडन फोल्डर मेरे सारे सिस्टम में है वो डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे करूंगा। ठीक है, या आप उस टाइम यूज कर सकते हो जब आपका लैपटॉप आप किसी को देते हो और आप नहीं चाहते कि वो किसी फोल्डर पे घुसे या कुछ छेड़छाड़ करे या कुछ डिलीट करे या कुछ कॉपी कर ले अपनी पेन ड्राइव, तो ये बहुत यूजफुल ट्रिक होती है। तो आपको यहाँ पर चले जाना है डिस्प्ले करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हिडन फोल्डर को डिस्प्ले कैसे करते हैं। कंट्रोल पैनल पे आपको चला जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका लेआउट ऐसा नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कैटेगरी लार्ज आइकन स्मॉल आइकन, मेरा भी लार्ज आइकन सेलेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल एक्सप्लोर ऑप्शन, ठीक है, ये फोल्डर से रिलेटेड होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये आ चुका है। अब व्यू में आप चले जाओगे। ठीक है, जनरल से आपको व्यू में चले जाना है, प्लस आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फाइल एंड फोल्डर का सबसे ऊपर दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर आप हेडिंग देखोगे तो हिडन बहुत हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स ऑन ड्राइव और ड्राइव। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन ड्राइव कर दूंगा। ठीक है, ओके करूंगा, वापस से डेस्कटॉप पे जाकर देखूंगा तो मेरा वो जो मैंने फोल्डर हाइड किया था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो कैसे लगे आपको ये ट्रिक, ये विंडो का एक फीचर है कि आप किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हो। मतलब इसमें बहुत सारे और फोल्डर होते हैं जो हमें डिस्प्ले नहीं होते, जैसे कि टाइम फाइल्स एंड डाटा, वो भी अब डिस्प्ले होने लगेंगे आपको। तो इस तरीके से फोल्डर को हाइड किया जाता है और हेडर फाइल्स को डिस्प्ले किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल फॉर मोर विंडो ट्रिक्स। थैंक यू।